नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस की महिला नेता नीता डिसूजा का फ्लाइट में बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा क्यों आया। जब नीता डिसूजा ने पेट्रोल गैस के बढ़ते दाम पर उनसे सवाल पूछा, पहले तो स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने बिना परमिशन के वीडियो कैसे बनाया, आप बिना परमिशन के मेरे से बात क्यों कर रही हैं। तो क्या स्मृति ईरानी का ऐसा गुस्सा करना सही है? दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़े दिन पहले का है, थोड़े महीने पहले का है। जब स्मृति ईरानी अमेठी गई तो एक लस्सी की दुकान पर चली गई और लस्सी कॉर्नर चलाने वाले बुजुर्ग से पूछा कि क्या कभी गांधी परिवार से कोई मेरे से पहले आपकी दुकान पर आया क्या। इस बात को पूछते हुए बाकायदा स्मृति ईरानी वीडियो बनाती है अपने फोन से, यानी स्मृति ईरानी एक रिपोर्टर की तरह सवाल करती है एक आम आदमी से, एक व्यापारी से, एक दुकानदार से, और उससे राहुल गांधी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में सवाल पूछती है। तो क्या ऐसा करना शोभा देता है? अगर आप खुद अपने फोन से वीडियो बनाकर ऐसे सवाल पूछती हैं तो आखिरकार कांग्रेस की महिला नेता ने क्या गलत किया? क्या आप भूल गए कि आप सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया करती थी जब गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए के आसपास थे, आज 1000 रुपए के करीब हैं, कहीं 1000 पार कर गए हैं, तो आपको ऐसे सवालों पर बुरा लगता है? पहले स्मृति ईरानी कहती है कि आप झूठ मत बोलो, गलत बात मत फैलाओ, उसके बाद उन्हें सच्चाई से अवगत कराया जाता है, तीखे सवाल पूछे जाते हैं, तो कहती है कि आपने बिना परमिशन के मेरा वीडियो बनाया कैसे, जब आप अपने फोन से रिकॉर्डिंग करके गांधी परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकती हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपको जमीनी हकीकत दिखाते हुए, आपके पुराने वादे याद दिलाते हुए वीडियो बना सकते हैं। इसमें गलत क्या है? आपको रिकॉर्डिंग करने की बजाय कांग्रेस की महिला नेता नीता डिसूजा के तीखे सवालों का तर्क के हिसाब से जवाब देना चाहिए था, ना कि गुस्सा करना चाहिए था। आप स्मृति ईरानी के ऐसे गुस्से पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।